नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में रोहित मलान, वकील एडवोकेट रोहित मलान जी हैं। बातचीत करेंगे, विषय है हमारा आज जाति। जाति को लेकर के लोगों में जो असमंजस रहता है, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के झगड़े होते हैं, उसी बात पे परिचर्चा करेंगे। रोहित मलान जी नमस्कार। नमस्कार भाई, अभी अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो हम आपसे परिचर्चा करेंगे कि जाति को लेकर के क्या विचारधारा आपके मन में। जाति, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई तजुर्बे से पढ़ा लिखा है, कोई किताबों से पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद भी हम अभी जाति को ऊपर रखते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम जाति को ऊपर रखते हैं। तो रोहित जी, हमें जैसे पता है कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी से है, आपके पापा जो है आर्मी में थे, तो वहाँ का माहौल कैसा था और आज जो बाहर देखते हैं उसमें क्या अंतर नजर? 12th तक मैं अपने पिताजी के साथ फ़ौज में रहे, तो वहाँ पे हमें नहीं पता था कि हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है। जितने भी फ़ौज में लोग होते थे सब इकट्ठे रहा करते थे, पार्टी हो गई कि खेल कूद हो गया, पढ़ाई हो गई, जो भी होता था हमें नहीं पता। जब इस आर्मी में ग्रेजुएशन में आए तब पहली बार पता चला कि मैं जाट हूँ, उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि जाट भी कोई चीज़ होती है। हाँ, तो पहले जाति का पता नहीं था या मान लो महसूस नहीं होता था कि मैं बिरादरी से जाट हूँ या कुछ और? पता भी नहीं था, महसूस तो तब होगा जब कोई बताएगा, जब वो कोई माहौल बनेगा, लोग विचार शेयर करेंगे कि जाति का है, ये अच्छी है ये बुरी है, ऐसी बातें होंगी तभी आपको पता चलेगा जाति की है, कौन सी जाति अच्छी है कौन सी बुरी है। जब वो बातें ही नहीं होती, जब सारे इकट्ठे बैठते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सभी आर्मी में तो सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, एक बटालियन में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, क्वार्टर्स में रहते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, साझा जो है सब कुछ जो है प्यार प्रेम चलता है। सारी जाति जी पूरे इंडिया से लोग होते हैं, हिंदुस्तान से होते हैं, किसी किसी कोने से, जाति धर्म छोड़िए कोने भी अलग अलग होते हैं। वो फ्लैट सिस्टम होते हैं, हर फ्लैट में रह रहे, एक ब्लॉक में छः छः फैमिली रह रही हैं और छः की छः अलग फैमिलीज हैं, किसी कोई यूनिट में है, किसी के फादर किसी यूनिट में है, कोई कर्नल है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है, सारे इकट्ठे रहते हैं, उसमें कोई जाति आती नहीं है। तो ये सिलसिला जो जाति के बारे में आपको कब से पता चला कि भी ये जातियाँ भी होती हैं, लोग जातियों पे मरते हैं, धर्म पे मरते हैं? शुरुआत हिसार से हुई, जब जाट कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे फॉर्म में लिखना पड़ा कि आप जाट हैं, तो वहाँ लिखा, तो खैर वहाँ पे इतना समझ में नहीं आया क्योंकि 3 साल की करके चले गए। उसके बाद जब वकालत के लिए LLB करी यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर पता चला सही में कि जातिवाद कुछ है, जहाँ पे लोग लड़ाई करते हैं इसके लिए कि तू जाट है तो जाट के साथ रहो, पंजाबी है तो पंजाबी के साथ, SC ST तो SC ST का ग्रुप, ये ग्रुप्स बन गए वहाँ पे। पता नहीं ग्रुप्स क्यों बन गए, क्या देख के बने ग्रुप्स पता नहीं। हमारा सर्कल था 4-5 का, सारे इकट्ठे बैठ के एक थाली में खाते थे, SC ST भी थे, जाट भी थे, बनिए भी थे, ओड भी थे, सारे थे। वहाँ से करके जब वकालत में आए ना, तो मैंने सोचा यहाँ पढ़े लिखे गाँव में सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, वकील सबसे पढ़े लिखे होते हैं, तो मुझे खुशी हुई सोच में कि यहाँ के मुझे वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे इलेक्शन आते हैं बीच में या कोई बात आती, मुद्दा उठता है, तो सारे जाति आगे आ जाती है, वो पढ़ाई पता नहीं किस कोने में चली छुप जाती है, वो सब जातिवाद बन जाते हैं। तो बड़ा दुख है माहौल देख के ना कि आजकल के इतने पढ़े लिखे लोग अगर हम जाति की बात करेंगे तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। रिजर्वेशन है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गलत बोल रहा है, क्यों, सारे इंसान हैं। मलान साहब, बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में ही जाति फैक्टर आगे क्यों आता है? जैसे आपके चुनाव होते हैं बार काउंसिल के, तब भी आप कह रहे हैं कि जाति विशेष की बातें होती हैं, और इसके बाद में आप राजनीतिक बात करें या किसी भी चुनाव की बात करें तो जाति फैक्टर क्यों आगे आ जाता है? देखो, जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको इलेक्शन जीतना है, बाय हुक और क्रुक कैसे भी इलेक्शन जीतना है, तो इलेक्शन जीतने का खुद ने तो क्वालिटी है नहीं, खुद का तो कोई काम ऐसा बता नहीं सकते कि मैंने ऐसे किया है, ये किया है समाज के लिए, उसको बेस बना के वोट दें, नहीं। अब वो समीकरण निकालते हैं कि जैसे चाहे हमारी वकीलों के इलेक्शन हो, चाहे बाकी चलो छोटा इलेक्शन है उसमें बताते हैं, 2230 वोट करीब है हमारे एनरोल्ड हैं वकील, उसमें से देखते हैं कि 2231 में से 800-900 जाट हैं,
कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ यादव हैं, तो ये क्या करते हैं कि भाई एक ब्राह्मण खड़ा हो गया तो जाट खड़ा हो गया, तो ब्राह्मण सोचेगा कि भाई 900 वोट तो इकट्ठे गए, 800 वोट गए तो वो तो जीत गया, तो वो क्या करेगा, कोई एक दो जाट और खड़ा करेगा ताकि उसको वोट बटें। तो अल्टीमेटली वोट जीतने से, इलेक्शन जीतने से मतलब है, इसलिए जातिवाद होता है। तो जीवन का ऐसा वाक्यांश बताइए जिसमें आपको किसी गैर जाति के व्यक्ति से प्रशंसा हुई होगी मदद करते हुए। मेरी की है, मैंने करी। आपकी की या आप? मैं लॉ से पहले नौकरी करता था नोएडा में, घर था मेरा फरीदाबाद में, तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे पास सामान था काफ़ी, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह, बेड वगैरह, तो मेरे पास छोटी गाड़ी थी, तो मुझे गाड़ी भी चाहिए थी और बंदा भी चाहिए जो मेरी मदद कर दे। तो वहाँ पे सबको पूछा, तो ज़्यादातर ड्राइवर थे, खान साहब थे, नावेद खान, अभी नाम याद है मुझे, एक त्रिपाठी साहब थे, दोनों से मैंने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है भाई, मुझे वहाँ जाना है, या तो कोई गाड़ी करा दो, टैक्सी वगैरह, पैसा दे दूँगा उसको भाई, वहाँ सामान ले जाए मेरा, पैक करके वहाँ छोड़ के आ जाए। तो त्रिपाठी साहब ने तो मना कर दिया कि जी मेरे पास समय नहीं है। खान साहब ने बोला कि शनिवार इतवार की छुट्टी होती है साहब मेरी, शनिवार को मैं चल दूँगा। मैं कोई नहीं, दो दिन बाद चल पड़ेंगे भाई। तो शनिवार को मेरे दूसरे मंजिल पे घर था वहाँ फरीदाबाद में, उसने मेरी सामान पैक करने में, उठा के नीचे गाड़ी में डालने में, फिर गाड़ी लेके, अपनी गाड़ी लेके आया, कुरुक्षेत्र छोड़ा उसने, वहाँ पहली मंजिल पे सामान चढ़ाया, साफ किया मेरा घर। वहाँ सेट करने के बाद मैंने कहा भाई कितने पैसे हो गए, बोले भाऊ, उसने पैसा लेने से भी इनकार कर दिया, बोलता हम आपके साथ काम किए हैं, इतने साल भाईचारा रहा है, ये तो मदद हुई, पैसा ले लिया तो टैक्सी वाले बन गए हम, उसने मेरे से पैसा नहीं लिया। मैंने बहुत कोशिश की, ज़बरदस्ती मैंने उसको डीजल का पैसा दिया। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बातचीत की जाती है कि 36 बिरादरी का भाईचारा, अब जातियाँ तो बहुत है लेकिन 36 ही बोला जाता है, लेकिन आपकी जाति फैक्टर की बात करें तो आपकी अपनी क्या राय है जाति को लेकर? जाति देखो, जो पैदाइश होती है, जिस जाति में पैदा हो गया वो जाति उसको मिल गई, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। अगर मैं जाट हूँ, परिवार में जाऊँ तो मेरा कोई योगदान नहीं हो, तो मेरे माँ बाप का योगदान है। तो जाति पे, अपने ही जाति पे गर्व होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी जाति की तरफ हीन भावना रखना वो गलत है। हर जाति बराबर है, कोई हो, किसी के पास पैसा कम है, किसी का पैसा ज़्यादा है, जिसके पास कम है उसकी मदद करो ताकि वो भी समाज में बढ़ के हिस्सा ले। आप सुन पा रहे थे विचार रोहित मलहान जी, वकील एडवोकेट रोहित मलहान हमारे साथ में जुड़े हुए थे और जाति को लेकर के परिचर्चा हमने इनसे की। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। धन्यवाद जी।